तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो और लेकर आ गया हूँ मैं, और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेकर आनी पड़ी है मुझे, जो कि टाइम नहीं मिला था दोस्तों, काम में थोड़ा बिजी था। तो ये हमारा लॉक है, ये देखिए, ये बाहर की तरफ हमने इसको लगाया है, ये हॉल किया है मैंने बाहर से, और ये अंदर से हमने इसकी सेटिंग की है। मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग की है। तो दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये रिमोट कंट्रोलर होता है, इसमें रिमोट मिलते हैं हमें, तीन रिमोट होते हैं इसके साथ, और एक चाबी होती है। और इसकी ये वायरिंग जो है हमने यहाँ से निकाली है, ये पाइप लगा दिया है यहाँ पे साइड से, इसकी वायरिंग हो जाएगी। फिटिंग वगैरह करानी होगी तो वो बंदे फिटिंग करा लेंगे। फिलहाल अभी हमने टेम्परेली के लिए इसको चेक किया है, जो कि हमने दो वायरल इसमें जोड़ ली है, जो कि दो वायरल जोड़ने के बाद इस दोनों वाले पॉइंट में लगेंगे, जो शुरू में पॉइंट ही है इसके, ठीक है, वाइट वाली तार की तरफ। ये दोनों पाइप जो है तार निकाल कर इस वाले पॉइंट में जुड़ जाएगा, और जो मेन सप्लाई जो देनी है हमें, ये जो वाइट वाला तार दिख रहा है आपको, उसके साथ बॉक्स के साथ जो ये जो एडाप्टर है, इसको एडाप्टर बोलते हैं, इसका जो एडाप्टर के दो तार हैं वो इसमें लगा जोड़ने के बाद ये हमारे जो है डायरेक्ट सप्लाई देंगे हम इसको स्विच में, ठीक है, सॉकेट में लगा कर इसको ऑन कर देंगे, ये चालू हो जाएगा। फिर बाकी इसका कंट्रोल रिमोट वगैरह से होएगा, जो भी होएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इसको लगवाना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको इसका प्राइस वगैरह बता दूंगा। और इसका प्राइस कोई ज़्यादा हाई नहीं है, इसका काफ़ी लो प्राइस है दोस्तों। अगर आपको लगवाना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसकी मैं आपको प्राइस बता दूंगा, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक ये होता है कि ये लगाने वाला जो होता है बंदा वहीं से आता है, ठीक, और बहुत से जो फैब्रिकेटर हैं वो ख़ुद भी लगा लेते हैं। बट हमने क्या किया था, हमने उसको बंदे को बुलवा लिया था, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी महंगी चीज़ है ये, और रिस्क लेना हमने पसंद नहीं किया, लगाने को हम लगा देते। बट कोई बात नहीं है, वो हमने लगा दिया, बाकी सारा काम हमने खुद ने किया है, बाकी जो ये वायरिंग वगैरह का जो सिस्टम वगैरह है ये इसने, जो बंदा आया था वो उसने कर दिया था इसमें। तो ये दोनों वायर जो मैंने अभी जोड़ी है, ये हम डायरेक्ट इसको सप्लाई वहाँ पर देंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। सप्लाई के बारे में आपको बता रहा हूँ, बाकी लॉक वगैरह हर फैब्रिकेटर जानता ही है कैसे तरीके से लगता है लॉक, ठीक है। और ये इसका रिमोट है, और ये इसका जो ये रेंच वगैरह पकड़ेगा इसकी, ठीक है, ये इसको ओपन करने का है, और इसको देख सकते हैं इस तरीके से रिमोट मिला है हमें, ये आप इसमें छल्ला मिला है, ठीक। और ये इसका स्विच है, इसका रेड कलर का स्विच है, और ये सिंपली रिमोट है इसका, तीन रिमोट इसके साथ मिल जाते हैं पूरे सेटअप, और इसको दबाने से इसका लॉक ही चालू हो जाता है, और इसको जेब में चाबी वगैरह में इसको डाल सकते हैं, बहुत ईजिली वर्क करेगा ये। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं इसका कमाल, जैसे कि अब हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, अब हम इसको स्विच से कंट्रोल करेंगे। ये देखिए, ये खुल गया है, फिर इसको बंद कर देंगे हम, ठीक है। फिर स्विच से चेक करेंगे इसको, पार्टी को जो है ऊपर नीचे सब जगह भेज के चेक कराया जाएगा। इसने जो बंदा जो आया था उसने तीन, ये मकान जो है तीन चार मंजिला मकान है ये, इसलिए ये लोग लगवाया गया है, ये फर्स्ट फ्लोर पर लगवाया है, और ये मैंने यहाँ की जो साइट की है पूरी कवरिंग की है दोस्तों, जो यहाँ से इसलिए इन्होंने इसलिए लगवाया ये, क्योंकि इस यहाँ पे कोई गैर आदमी नहीं आ सके, जो जो खास बंदा होगा वही एंट्री मारे नीचे, बाकी इनका ये जो है हमारे नीचे गेस्ट हाउस है, नीचे गेस्ट वगैरह जो आती हैं वो बैठते हैं, ठीक है। और ये जो साइड में इसमें जो ये स्विच है, ये स्विच से भी खुल जाता है दोस्तों, जैसे कि अभी स्विच दबाएंगे तो देखिए अभी खुल गया है, ये स्विच दबाने से खुल जाता है। और इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, अगर आपको स्विच से नहीं खोलना है तो इसको स्विच से ये चाबी दीजिए, इसकी लॉक कर देंगे आप स्विच को, अब ये स्विच से नहीं खुलेगा, ठीक है। अब आप जब स्विच से नहीं खुलेगा, जब आप इसका जो रिमोट है रिमोट कंट्रोल से खोलेंगे तो जब ही खुलेगा ये, ठीक है। इसी तरीके से बाहर से दिया गया है इसका, बाहर से ही आपको चाबी मिलेगी, चाबी से खोल सकते हैं आप, ठीक। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, हमने उनको रिमोट देकर उनको तीन मंजिल पर भेज दिया है कि आप जाइए सबसे ऊपर से खोलिए, देखिए किस तरीके से काम कर रहा है ये, तीन मंजिल पर वो जाकर अपने रूम में बैठ कर खोल रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त ये देखिए किस तरीके से खोल रहा है, बार बार खुलता रहता है या लॉक होता रहता है, ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक काम करती है इसकी, और बहुत बढ़िया लॉक है। आपको लगवाना हो तो आप लगवाएं, और लगवा के इसका काफ़ी सारा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने दो तार इसमें लगाई थी, और एक इसकी और वो है टिप्स जो खोलने के लिए होता है, इसका एक स्विच भी दिया गया है जो स्विच होगा। और चलिए पहले आपको रिमोट के बारे में दिखाता हूँ खोल के, देखिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए दो दफ़ा मैंने आपको खोल के दिखाया, इस तरीके से इसका रिमोट कंट्रोल काम करता है, आप कहीं पर भी जाकर इसको खोल के देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये चेक करने के लिए बार बार चेक करके दिखाया जा रहा है, ताकि पार्टी को पूरा संतुष्ट हो जाए कि हाँ भैया हमारा लॉक वगैरह बिल्कुल सेट बैठ गया है और सही चल रहा है, ठीक है। बाकी बात में जो वायरिंग वगैरह है सब इसको मैंने आपको बताया, ये साइड में पाइप लगाया है, इसके अंदर से वायरिंग जाएगी, इसमें पूरी टेपिंग वगैरह होएगी इसकी, उसके बाद ही काम होगा। ये देखिए स्विच वाला ऑप्शन है, ये देखिए स्विच से भी ये खुल जाता है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो इसका जो एडाप्टर है इसमें से दो तार निकाल कर इसको स्विच बनाना पड़ेगा, वो आपका जो इलेक्ट्रिक वाला होगा जो फिटिंग करने वाला होता है वो ऑटोमेटिकली खुद कर देगा सारा काम आपका,
तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलिए आपको मैं पूरी कंप्लीट जो हमने बनाया है, देखिए ये हमने मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने कवरिंग किया है इस तरीके से, देखिए पूरा जाल बना दिया है ठीक ऊपर तक। काफ़ी लंबी इसकी हाइट है, लगभग 7.5 फिट है, नहीं सॉरी इसकी 8.5 फिट लंबाई रखवाई है इन्होंने लगभग। काफ़ी ऊँचा गेट है इसमें ताकि सामान वगैरह लाने में कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी जो अनकाउंट बंदा है कोई अंदर नहीं आ सके, इस वजह से ये बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा और खोल कर, ये देखिए अब मैं इसको तो लॉक करने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया था यहाँ से ये लॉक कर देते हैं चाबी से, ठीक है ये चाबी इसकी है और एक यही चाबी बाहर यूज़ कर सकते हैं, तो सेम चाबी मिलती है। बाकी इसके जो आपको रिमोट कंट्रोल बताया था ये देखिए खुल चुका है लॉक ठीक। अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए खुल गया है, काफ़ी ईजिली है इसका। और बाहर से जैसा कि मैंने आपको बताया था बाहर से भी एक इसका वो दिया गया है ऑप्शन जो हैंडल लॉक में आता है वही आता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए यही।